खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की खबरों में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो खबर है वो है जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल का मुद्दा, यानी कि 370 आर्टिकल के मुद्दे पर जहां एक ओर केंद्र सरकार राज्य में नौकरियां देने की बात कर रही है और राज्य में अभी आज ही ताज़ा बयान आया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 50,000 राज्य में नौकरियां देंगे और साथ ही केंद्र सरकार भी कई सारे बड़ी घोषणाओं की करने की उम्मीद जता रही है अगले एक दो दिनों में। वहीं जम्मू कश्मीर का यह मुद्दा संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 370 के प्रभाव को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर चुनौती दी गई है। केंद्र की ओर से अनुच्छेद 370 हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में यह चुनौती दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर से कई प्रावधान 370 के हटाने, राज्य का बंटवारा करने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करने जा रही है। यह सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। बुधवार को इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किया। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल ने नोटिस जारी होने पर सीमा पर प्रतिक्रिया होने की दलील दी, मगर अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने राज्य में संचार माध्यमों पर छूट देने के लिए केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, साथ ही कश्मीर में वार्ताकार नियुक्त करने की मांग को ठुकरा दी है। याद रहे कि केंद्र सरकार ने बीते 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश, जम्मू कश्मीर पर संवैधानिक आदेश 2019 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था, जिनमें 35 ये भी शामिल हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से लद्दाख को एक अलग राज्य बना दिया गया है और जिसमें जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बदलाव करने से पहले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को लौटने का निर्देश दिया था। स्थानीय नेताओं को नज़रबंद किया गया था। राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इंटरनेट, लैंडलाइन, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी और यह इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि राज्य का विकास बाधित हो रहा है और यह एक अस्थायी प्रावधान था जिसे कभी ना कभी हटाया जाना था। जहां एक ओर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, वहीं कई दलील दी जा रही हैं विपक्ष की ओर से कि जो समाज के जो इस फैसले से असंतुष्ट नज़र आए, उन्होंने कहा कि संवैधानिक जो ये अनुच्छेद 370 जो हटाया गया है उसको हटाने का तरीका सही नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा इस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाना अनुचित है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। उनका तर्क है संसद में बिना बहस के किए ही 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन पारित किए बिना संविधान में बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अनुच्छेद 370 उपखंड 1(d) के तहत राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के प्रावधान लागू कराने के लिए प्राप्त अधिकारों का सहारा लिया, जिस पर आलोचकों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया गया, जो संविधान को ख़त्म करने के लिए संविधान का सहारा लिया जा रहा। यहाँ पर बता दें कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 हटा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को एक ऐसा आदेश पारित करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति की ज़रूरत थी, जो कि
ऐसा नहीं किया गया और इसमें ये देखने में आया कि राष्ट्रपति शासन चूंकि था और इसकी कमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास थी, तो जिनकी सहमति ली गई और उन्हीं की मंजूरी मान लिया गया पूरे विधानसभा की, इस पर एक तरीके से ज़्यादातर विपक्षी खेमा इससे असंतुष्ट नज़र आया। यहाँ पर संविधान विशेषज्ञों ने सब शंका जाहिर की कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से ही की जाती है, ऐसे में राज्यपाल की ओर से दी गई मंजूरी अमान्य ठहराई जा सकती है। इसके साथ ही वहाँ के लोगों से बिना पूछे ऐतिहासिक परिवर्तन कर देना एक तरफा फैसला है। उधर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर भी आलोचकों का कहना है कि पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का कई संविधान विशेषज्ञों ने समर्थन भी किया है और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के खत्म करने में संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद अस्थायी था, साथ ही उनका कहना है इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब राज्य में सरकार ही नहीं है तो वह कैसे मंजूरी ले सकते हैं। चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में संविधान पीठ सुनवाई करेगी, इसलिए इस फैसले की संवैधानिक वैधता की जांच तभी हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि दो जजों की खंडपीठ ने जो 2018 में कहा था जिस तरीके से कि लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण अनुच्छेद 370 ने स्थायी अधिकार हासिल कर लिया है और इसे हटाना मुमकिन नहीं है, तो इस पर अब देखना होगा कि ये संविधान पीठ जो सुनवाई करने जा रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उस पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है। जम्मू कश्मीर को क्या दोबारा उसी तरीके से बहाल किया जाएगा जिस तरीके से वो राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, या अभी भी जो राज्य में तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। आवाज़ जो जम्मू कश्मीर के आवाम की है वो बाहर नहीं आ पा रही है चूँकि इंटरनेट और सारी चीज़ें बंद हैं, तो इस पर उस आवाम की, जनता की आवाज़ जो है किस तरीके से वो बाहर आएगी और आगे जम्मू कश्मीर में क्या विकास के लिए जो पैमाना तय किया जा रहा है, जो विकास के लिए केंद्र सरकार घोषणाएं करने जा रही है, जो नौकरियां मुहैया कराने की बात चल रही है, वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर में होता है और जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होती है, यह तो देखने वाली बात है। तो इसी तरीके से और भी स्टोरीज देखने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फोरम 4 देखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।